हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पिजन लवर्स चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका पिजन लवर्स चैनल में। तो भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, आज की जो कमेंट है हमारी, आज की कमेंट है भाई, कैल्शियम जो है वो पानी में दें या सिरिंज में दें। हालांकि भाई ने कैल्शियम नहीं लिखा है, लेकिन इसमें भाई ने यही पूछा है कैल्शियम के बारे में कि भाई पानी में मिक्स करके दें या सिरिंज से दें। तो आज इसके बारे में बताएंगे सही तरीका क्या है कैल्शियम देने का, वो आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है भाइयों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों देखिए, जैसे कि भाई ने पूछा कि भाई कैल्शियम जो है वो पानी में मिक्स करके दें या सिरिंज से दें, सही तरीका क्या है ये बताएं। ठीक है भाई, तो भाई को आज इसी के बारे में बता रहे हैं कि कैल्शियम देने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले देखो भाई, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। कैल्शियम भाई किसी भी कंपनी का हो, कोई भी कैल्शियम हो, कैल्शियम कभी पानी में मिक्स करके नहीं दिया जाता। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना भाई। शायद देखो किसी भाई ने ना बताया हो आपको। ठीक है, कैल्शियम कभी भी, चाहे वो कोई सा भी कैल्शियम है, किसी भी कंपनी का है भाई, आप हमेशा ये याद रखना, कैल्शियम जो है कभी पानी में मिक्स करके नहीं दिया जाता। पता है क्यों? कैल्शियम जो होता है भाई, ये थोड़ा और लिक्विड के मुकाबले कड़ा होता है, समझ रहे हो, थोड़ा मोटा होता है। क्यों? इसमें दाना होता है, दानेदार होता है कैल्शियम, हमेशा याद रखना, दाना सा होता है इसमें। तो आप अगर पानी में मिक्स करोगे ना, तो जो उसमें कैल्शियम है वो कैल्शियम पानी में नीचे बैठ जाता है। आप कभी अजमा के देखना, चेक करके, वो पानी में जब नीचे बैठ जाएगा, तो आपने पानी रख दिया कबूतर को पीने के लिए, अब कबूतर क्या काम करेंगे, पानी पी लेंगे, लेकिन कैल्शियम नीचे बैठा हुआ है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप ये सोचोगे यार ये दिया कैल्शियम, कैल्शियम कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो आपको देखने के लिए दिखाई देगा कि हाँ काम कर रहा है कैल्शियम, समझ रहे हो। तो भाई एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ, कभी भी पानी में कैल्शियम डाल के मत देना। सही तरीका जो है भाई, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनना। ठीक है, कैल्शियम देने का सबसे मेन तरीका ये होता, या तो आप सिरिंज से भर के दे सकते हो। ठीक है, सिरिंज से भर के आप दे सकते हो। और किस तरीके से, मान लो जैसे कि मैं बताता हूँ, जो पैटफोर्ड का कैल्शियम मैं बताता हूँ, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है भाई। पैटफोर्ड का जो कैल्शियम है उसमें क्या है, मैं बताता हूँ, 2.5 ml कैल्शियम लेना है आपको और 2.5 ml पानी लेना है आपको। ठीक है, उसी में पहले कैल्शियम खींच लो, फिर पानी खींच लो और उसे दे दो, मादी को या नर को, जिसको भी देना, कोई से भी कबूतर को आपको देना है, उसे दे दो। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम उसके अंदर पूरा पूरा गया, 2.5 ml सिरिंज से देने का सबसे बेस्ट तरीका। दूसरा तरीका क्या है भाई कैल्शियम देने का, आप चिकनावे में लगा के दे सकते हो, रोटी पे लगा के दे सकते हो। ठीक है, रोटी चिकनावे पे लगा के दे सकते हो, दाने पे भी लगा के दे सकते हो, समझ रहे हो। तो कैल्शियम का सबसे तरीका जो है ना भाई, यही है, आप चिकनावे में लगा दो, सिरिंज से दे दो, या रोटी पे लगा लो, तो आप किसी भी तरीके से दे सकते हो। लेकिन पानी के अंदर कभी कैल्शियम मत देना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई। आप दे रहे हो, ठीक है, आप मान लो ऑस्टोमेट ही दे रहे हो भाई, ठीक है, ऑस्टोमेट को कभी चेक करके देख लेना आप, डाल के ऑस्टोमेट नीचे बैठ जाता है इसमें दाना सा उसका। ठीक है, जो कैल्शियम होता है उसमें वो तो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें, पानी में कैल्शियम नहीं दिया जाता। आप रोटी में दे दो, चिकनावे में दे दो, सिरिंज से दे दो, ये तीनों तरीके बेस्ट हैं भाई। दाने पे भी दे सकते हो, एक बार को लगा के आप दाने पे मालिश करके तब भी दे सकते हो। लेकिन देखो, मैं चिकनावे में देता हूँ या सिरिंज से देता हूँ, ठीक है, रोटी में भी दे देता हूँ। और बाकी भाई, अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से चिकनावे या रोटी में किस तरीके से मिक्स करना है, तो देखो आपके लिए आसानी कर दूंगा मैं। इस नाम से मैंने वीडियो डाली हुई है, देख लो फोटो शो हो रहा भाई। ठीक है, ये थंबनेल है उस वीडियो का, कैल्शियम का गोला, ठीक है, पूरा कैल्शियम से भरपूर। तो इस तरीके से ये वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो, इसमें मैंने प्रॉपर तरीका बताया कि किस तरीके से आपको कितनी क्वांटिटी कैसे लेनी है, सब चीज़ मैंने आपको बताई है इस वीडियो में, आप जाके देख सकते हो भाई। ठीक है, इस नाम से सर्च कर लेना, वीडियो को मिल जाएगी। ठीक है भाइयों, तो कैल्शियम देने का तरीका यही है। और भाई ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो कैल्शियम है देखो ज़रूरी भी है। अभी जैसे कबूतर उड़ान की तरफ चल रहे हैं, पर खींचे हुए हैं, तो भाई देना भी चाहिए कैल्शियम कबूतरों के लिए। ठीक है, बहुत से भाई जोड़ों के लिए देते हैं, लेकिन उड़ने वालों को भी अभी जैसे पर खींचा हुआ है तो देना चाहिए। ठीक, लेकिन ये भी शर्त है, ज़्यादा ठंडे मौसम में भी कैल्शियम नहीं दिया जाता है, वहाँ पर बादाम चलता है।
ठीक है, ज़्यादा ठंडे मौसम में इस टॉपिक पे भी कभी बात करेंगे, क्योंकि अभी देखो वो टॉपिक है नहीं, वो सर्दियों में बात करेंगे इसके बारे में। और बाकी अगर बोलोगे तो वीडियो बना दूंगा, कोई ऐसी बात ना बोले भाई। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन भैया ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुँचती रहे। ठीक है भैया, और बाकी कोई चीज़ लगी हो तो भाई कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।